ग्वालियर के मुरार इलाके में पुलिस कर्मियों के वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच मुरार थाने में पदस्थ कुछ पुलिस कर्मियों के वाहन चालकों को रोककर वसूली करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद मामले में जाँच के आदेश दिए गए हैं। वहीं वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। वायरल वीडियो मुरार के बड़ा गाँव हाईवे इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें मुरार थाने पदस्थ कुछ पुलिसकर्मी वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली से परेशान होकर वाहन चालक ने इसकी वसूली का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में फिलहाल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें कि एक जो मुरार थाने के कुछ पुलिसकर्मी पैसे मांगते हुए मांगने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन मुरार थाने के रूप में हुआ था। तो उसमें उन लोगों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जा रही है। किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे, क्या मामला था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। ये जाँच में स्पष्ट होगा, क्योंकि जाँच के आदेश कर दिए गए हैं और अनुशासन कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें स्पष्ट हो गया है किस क्या ऑब्जेक्ट।